अस्सलाम वालेकुम, ये उनको सलाम किया जिनको बड़ी देर बाद याद आया कि आज आगाज़ का पहला शो था। मैं भी रेबर और सलमान मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनसे गपशप लगा रही थी ब्रेक में। बड़ी इन्होंने मज़े की बातें बताई हैं। अभी इनकी एक वीडियो थी जिसके बारे में मैं कह रही थी कि आपको बताऊंगी बताऊंगी, लिबडप के नाम से। लिबडप एक कॉन्सेप्ट है, इसकी वीडियो आपको दिखाते हैं और उसके बारे में इनसे बात भी करूंगी। और ये भी बताती चलूँ कि विरेते मीडिया प्रोडक्शन की सपोर्ट से ये वीडियो बनी है। ये पाकिस्तान की तीसरी ऐसी वीडियो है, पंजाब की पहली है, इस्लामाबाद की पहली। जी जी सुबह हो गई, पार्टी पूरी देख ली मैंने, तो मज़ा आ गया मुझे। क्या कमाल का काम किया है। बस थी हमारा शौक था हमें करने का। एंड बाकी आज दोबारा से देख के मतलब हम भी काफ़ी अच्छी नहीं देखी दोबारा, और फ्लैशबैक्स हो रहे हैं दोबारा जिस तरह अच्छा, हमने कैमरे बनाई पे बड़ा थी। कमाल का काम हुआ है। सलमान करदेजी छा गए हैं आप, एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेलकम। मच टू सलमान करदेजी, काफ़ी सारा सपोर्ट किया मतलब कबीर भाई जो सॉरी टीम भूल बने गई थे। आपको। एग्जैक्टली, कदीर साहब को भी बहुत थैंक यू क्योंकि उन्होंने काफ़ी हमें इस चीज़ में सपोर्ट किया था। बेसिक चीज़ यही होती है कि जो भी मतलब सिनेमाटोग्राफर जो भी होता है उसमें काफ़ी हाथ एक होता है बात उसका। बताओ, ये कॉलेज में मशहूर तो बड़े हो गए होगे, बड़े लड़कियों नहीं, ने लिफ्ट कराई होगी कि क्या कमाल का कैमरा लेके। कोई भी आज लड़कियां तो वैसी शुरू हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है क्यों नहीं है, मतलब। क्यों नहीं नहीं, है। वो इस हम जब यूनिवर्सिटी के अगले दिन तो मतलब हम जहाँ से गुजरते थे ना, हर कोई हमें मतलब क्योंकि हमारा टारगेट ही यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हमने पब्लिसिटी की थी, तो हम जहाँ से गुजरते थे सारे लोग हमें देखते थे। फिर हमें पता चलता यार, अच्छा ठीक है, इन्होंने हमारी वीडियो देख ली है, अभी आ गया। दिल तो में बड़ी खुशी तो एग्जैक्ट होती खुशी, होगी, कभी बड़ी कभी लड़कियां कभी देख कभी इस रही तरह भी हैं होता था कि हम लोग किसी को देख लेते, वो देख रहे थे यार नई वीडियो आई है लिबडप इस्लामाबाद के नाम ये से, और हम लोग उसे देख लिपडप रहे वाले हैं। मतलब पता नहीं तो चलता वीडियो, हम जहाँ से जाते थे लोग मतलब काफ़ी दफ़े यार वो देखो वो लिबडप वाले लोग जा रहे हैं यार। तो हमने फिर सोचा कि क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ हमने तो ये आउटसाइड किया था, तो हमने सोचा था कि हम विल डू अनदर वन इन द यूनिवर्सिटीज़। तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया कि आप लोग कब ऐसी एक नई वीडियो बनाएंगे, हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत तो ये अच्छा YouTube लगा। पे है, बिल्कुल यूट्यूब पे है कितनी ये, हिट्स हो गई? 30,000+ हिट्स हो गई हमारे पास, 30,000+, प्लस हो गई। बिग नंबर, सीरियसली बिग नंबर। हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हमें अप्रोच किया कि आपकी मतलब यूट्यूब से ही हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रोच किया, और डिफरेंट सोशल मीडिया से कि आपकी ये वीडियो हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। इवन आई रिमेम्बर कि हम लोग ट्विटर पे थे, तो हमें एक फॉरेन से एक वीडियो वाले बंदे कनाडा का था आई गेस, उसने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, उसने बताया कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा है एंड दिस काइंड ऑफ स्टेप। तो हमें मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इस वीडियो से। तो ये जो एंड में आपने इतने लंबे लोगों की लाइन देखी है ना, नामों की लिस्ट थी, इन सबको एक दफा कोऑर्डिनेट किया। बिल्कुल, एक दफ़ा मतलब सबसे मुश्किल काम यही था कि हर बंदे ने अपना स्टेप जो है वो बिल्कुल सही कितने परफॉर्म लोग करना थे, था। मतलब सिर्फ स्क्रीन पे, और जो ऑफ स्क्रीन थे वो तो पता ही नहीं कितने ऑफ होंगे। स्क्रीन मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग थे, 100 के बिकॉज करीब। उससे 100 के करीब थे। हमने काफ़ी ज़्यादा इतना नोट नहीं किया बिकॉज इट वॉज ओपन, जिस बंदे को मतलब इट वॉज ओपन अपॉर्चुनिटी, जिस बंदे ने ही वॉन्ट्स टू परफॉर्म वो आ जाता था, और उसको हम बता देते कि आप ये स्टेप कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है तो वो आप कर सकते अब थे। इसका बताओ, ये बनी कैसे है, ये बहुत कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अब मैं सुनूंगी। असल में बहुत मुश्किल था करना। हमारे पास इंस्पिरेशन थी लेकिन हमारे पास टूल्स नहीं थे, हमारे पास करने के कोई रिसोर्सेज नहीं थे फिलहाल उस वक्त। स्टिल हमने करना चाहा। तो पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है लिपटॉप। बेसिकली कॉन्सेप्ट ही होता है, फेमस हुए हैं एमेच्योर वीडियोस से, एमेच्योर जिस वीडियो। तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ऑनलाइन सोशल वीडियो ब्लॉगिंग से इस तरह की वीडियोस काफ़ी उरूज पे आई कि लोग देखते थे इंटरनेट पे। तो दो बेसिक रूल्स जो उसके होते हैं वो ये, एक तो ये है कि इट्स एन एमेच्योर वीडियो, मतलब कोई भी उसके प्रॉपर नहीं होते जो भी होते हैं मतलब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर्स, आई मीन विद टेक्निकल क्रू। तो और दूसरा ये होता है कि इट्स जिस तरह नेम कह रहा है लिप डब, सो लिप सिंकिंग होती है जिस भी वीडियो या सॉन्ग या किसी भी चीज़ के आप उसके कर रहे हैं, ऑडियो जो होती है तो बेसिकली ये उसमें लिप्स की सिंकिंग हो। डबिंग, एग्जैक्टली, उससे ये लिप की लव्स डबिंग बनाया हुआ, होती है, लिप तो उसी डब लिप का। डब से एग्जैक्टली तो ये बेसिक थी। तो हमें नहीं पता था कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, मतलब मैं और एबर काफ़ी अरसे से इस चीज़ पे गौर कर रहे थे, क्योंकि बहुत टफ जॉब है दो बंदों के लिए करना, और बगैर किसी ऐसे को मतलब खास एक्सपीरियंस भी नहीं सब उसके बगैर। एग्जैक्टली सबसे बड़ा इशू था कि सिंगल शॉट में था, अब सिंगल सिक्स शॉट में। मिनट कंजेक्टिव, और उसमें सारे लोगों ने अपने एक्शन परफॉर्म करने हैं, और लोगों ने अपने जो तो भी बड़े एक्शन बड़े परफॉर्म एक्टर करना एक है। मिनट की शॉट के लिए 6-6 दफ़ा कट होते हैं, तो फिर क्या। एग्जैक्टली, तो इतने सारे लोगों को कोऑर्डिनेट भी करना उसमें और ऑर्गेनाइज कराना, इट्स
टफ जॉब। इसमें काफी बहुत सारी फनी, हमने हाँ सोचा था कि ना हम लोग लोगों को ना एक दिन पहले बुलाएं, एक या दो दिन पहले बुलाएंगे ना, और रिहर्सल करवा देंगे। तो हम अगले दिन, हमने जो टाइम रखा था, मतलब जितने भी सारे लोग थे सबको हमने बता दिया था कि आपने इस टाइम पे आने ना। तो अगले दिन मैं और सलमान जो है, जब हम वेन्यू पे वहाँ पहुँचे तो खाली पड़ा हुआ था। तो और मजे की बात, बारिश हो रही थी और हम लोग बाहर सारों का वेट कर रहे हैं। दैट वाज हमने जब वहां गए हम थोड़ा सा लेट हो गए थे शायद, हमने थोड़े से वो लिरिक्स वगैरह जो भी हमने सॉन्ग के चूज किए थे। यूनिवर्सिटीज में तुम लोगों ने शॉट किए? नहीं, आउटसाइड वेन्यू था। बस आउटसाइड में, इस्लामाबाद में नहीं है? इस्लामाबाद में ही था, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं किया। अच्छा अच्छा, ऐसे फिर क्या हुआ? तो हम लोग वहाँ गए तो हमने देखा कि हम तकरीबन, हमने 3 बजे का शायद टाइम दिया था, तो हम 3:30 पहुँचे वहाँ पे। तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है ना, और बारिश हो रही है। मैं सलमान की शक्ल देख रहा हूँ कि मैंने कहा यार अब कैसे होगा, मतलब अगर हम लोग, इन लोगों ने प्रैक्टिस ना की तो कैसे इनको अपने मूव याद आएगी और सिंक कैसे होगा। एक शादी की ढोलकी की प्रैक्टिस पे ही नहीं शुरू खत्म होती तो फिर ये तो वीडियो बनानी हो एक्यूरेसी। हमारा वही था कि करने से पहले हम लोग एटलीस्ट 3-4 दफा लोगों को प्रैक्टिस करवा लें, ताकि बीच में कोई ऐसी मिसअप ना हो जाए जिसका करना, क्योंकि एक भी गलती हुई तो फिर शुरू से दोबारा करना पड़ेगा सारा। अगले दिन हमने फिर रखा हुआ था टाइम, तो उस दिन भी बहुत कम लोग हुए, तो मतलब मैं और सलमान काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। हमने कहा कि यार इस तरह तो मतलब कभी भी नहीं होगा कि बगैर एक रैंडम से बंदा आ जाएगा कि आई हैव टू परफॉर्म, मैं उसको आखिरी वीडियो शॉट में हम लोग कर लेंगे। तो खैर जिस दिन फाइनल शूट था उस दिन हमें मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, और हैरत की बात है कि लोगों ने सिंगल शॉट और सिंगल ट्राई के अंदर, मतलब फाइनल शूट तो 3 ट्राई के अंदर हुआ था, लेकिन सारी ट्राइयों के अंदर उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि मतलब आप कंपेयर कर लें कि बगैर किसी प्रैक्टिस के और बगैर किसी मतलब अच्छी गाइडेंस के, मतलब हम लोग ही थे जो खुद कोरियोग्राफ वगैरह कर रहे थे, उसके बगैर उन्होंने जिस तरह परफॉर्म किया तो वो बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक अली जफर की वीडियो आई थी चल दिल मेरे, वो भी मैंने सुना था 1 शॉट 1 गो में है, वो और चीज़ है। मेरे ख्याल से लोग मेरी तरह काफ़ी इस चीज़ को मिक्स कर रहे होंगे, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। वीडियोस तो ऑलरेडी लिप सिंकिंग उसमें होती है, तो लेकिन वो डिफरेंट कैटेगरी में आ जाती है कि दैट्स अ सॉन्ग वीडियो, आप कह सकते हैं कि लिप वीडियो, लेकिन जिस तरह के मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि एमेच्योर होना उसको थोड़ा सा वो एक डिफरेंट इंप्रेशन डालती है कि लिप डब जो एक स्पेसिफिक नाम निकला तो वो एक स्पेसिफिक वीडियो कैटेगरी बन गई है कि उसमें आप एक एमेच्योर वीडियो होती है कि जो भी बनाता है वो एमेच्योर, मतलब प्रोफेशनल नहीं होते कोई उसमें। तो हमने भी बनाया था, तो हम भी उस वक्त कोई प्रोफेशनल नहीं थे इतने खास, हमने फर्स्ट अटैम्प्ट, हमारे पास सिर्फ प्रोडक्शन में मतलब आप कह सकते हैं कि वी आर 3 पीपल्स। तो प्रोडक्शन में तो आपको भी रहते मीडिया प्रोडक्शन एग्जैक्टली, उन्होंने हमें सपोर्ट किया था बेसिकली, काफ़ी सपोर्ट किया था उन्होंने, लेकिन जो कास्ट एंड क्रू में हमारे पास थे 4 बंदे थे हम लोग सिर्फ, मैं, रेबर, हमारा कोरियोग्राफर था सलमान गर्दी। बड़ी हैपनिंग वीडियो है, मैं उठ के, मुझे, मैं तो जाग गई जितनी आया हुई भी थी, एकदम से आंखें खुली हैं। मतलब वो आप अगर आप हमने तो या तो होती ना कोई स्टोरी टाइप, तो मैं कहती कि सबके सीन याद है, पूरे पूरी हैपनिंग हर वक्त सारे डांस कर रहे हैं, उछल कूद हो रही है, उनको सिंक में लाना, सिंक में लाना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपके पास एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है और आपको जाना भी सिर्फ, खुद डांस करते हो? तो यही था कि इसलिए हमने स्पेसिफिक ग्रोसेस में बना दिए थे कि करना, जाहिर बात है इस सिंगल शॉट में आप कोई भी मूवी करते हैं तो दैट्स रियली डिफिकल्ट। तो जिस तरह के बताया ना कि हमने के 3 शॉट्स लिए थे इसके, और वो भी काफ़ी मुश्किल काम था क्योंकि इतने के डिसअपॉइंट हो गए थे लोग 2 बार करने के बाद भी, और उसमें आखिर में यही होता था कि एक सीन से गुजरने के बाद जब हम दूसरे सीन पे जाते थे तो उसमें यही होता था कि वो सिंक आपस में बीच में नहीं हो रहा, वो कुछ आगे पीछे हो रहे हैं, तो उस वजह से प्रॉब्लम। तो कोई पंगे शंगे हुए, कोई मसले का नहीं? पंगे तो बेतहाशा हुए थे, क्योंकि अंदर सारे एमेच्योर से ना, कोई कहता होगा मैंने नहीं डांस करना यार, क्या तुम लोग तंग कर रहे हो, इस तरह हुआ था, लोग डिसअपॉइंट भी बन के हो गए थे। इस तरह हुआ था कि कुछ लोग मतलब फर्स्ट डे पे आ गए हमारे, क्योंकि हमने 3 दिनों में ही किया था, फर्स्ट 2 डेज हमने रिहर्सल्स के लिए रखे थे और 3rd डे पे हमने शूट किया था फाइनल। तो इस तरह भी था कि जो फर्स्ट डे पे आए थे वो आखिर में, या फर्स्ट 2 डेज वाई 3rd पे नहीं आए, डिसअपॉइंट हो गए कि यार इतने लोग नहीं हैं, इनके पास इतना वो सेटअप नहीं होगा शायद, तो डिसअपॉइंट हो गए आखिर दिन पे नहीं आए। कुछ ही हुआ कि कुछ ही भी हुआ कि वो पछता रहे होंगे, वो अब देख के कह रहे होंगे यार आज होते यार, यूं जी भी हुआ कि सिर्फ आखिरी दिन पे आए और लेकिन उनकी मोटिवेशन की वजह से उन्होंने कर लिया। मतलब अच्छा, जब लास्ट डे हम शूट कर रहे थे तो पहला शॉट लिया तो उसमें स्टार्ट में ही ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि किसी बंदे के मूव गलत हो गया,
अब दूसरा शॉट लिया, वो बिल्कुल शॉट मतलब सारा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल हम एंड पे जब जाने वाले लास्ट सीन थे उससे पहले एक बंदे ने फंबल कर दिया। अब वो सारे लोग इतना अच्छा उन्होंने दिया था कि वो लास्ट सीन पे जब आ गया सबने तो सारे एनु फड़के कुट्टो। और दूसरी बात कि हमारे पास मतलब टाइम भी कम रह गया था, तो मतलब मैं तो बिल्कुल डिसपॉइंट हो गया था कि यार अब तो ये नहीं हो सकता, सिंगल शॉट की बजाय डबल शॉट में कर लो। तो फिर लेकिन सलमान और मैंने हमने काफ़ी सोचा और फिर हमने एक और ट्राई की जो लास्ट ट्राई थी, और वो अल्लाह का शुक्र है कि वो इतनी अच्छी सक्सेसफुल गई कि सिंगल शॉट के अंदर हमारा पूरा लिप डब जो है कंप्लीट हो गया लास्ट ट्राई में। भाई लिप डब की तो हम लोगों ने कमाल कर दिया वाकई, हैट्स ऑफ, इतनी एज में इतनी फिट चीज़ बनाई है। इनकी एक और चीज़ अभी इनकी लिस्ट नहीं ख़त्म हुई, ऑनलाइन ब्लॉगिंग। मुझे लोगों को क्लियर करते चलो, लोग ब्लॉगिंग को समझते हैं कि बस एक ऑनलाइन आर्टिकल लिख के पोस्ट कर दिया, और कुछ लोग ब्लॉगिंग को समझते हैं कहते हैं कि जैसे आपकी रेगुलर डायरी होती है उसी तरह एक ऑनलाइन आपने रेगुलर पोस्टिंग करनी होती है। ब्लॉगिंग को प्लीज पहले क्लियर मुझे बताओ। दो डिफरेंट तरह की ब्लॉगिंग होती है, एक होती है जिसमें आप अपने पर्सनल ओपिनियंस वगैरह लिखते हैं, ठीक है, और दूसरी ब्लॉगिंग होती है जिसमें आप न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये 2007 की बात है कि उस टाइम पाकिस्तान में मतलब किसी को भी इतना आइडिया नहीं था कि ब्लॉगिंग होती क्या है। तो उस टाइम पे कुछ लड़कों ने स्टार्ट करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और आईफोन, इनके डिफरेंट जितने भी प्रोडक्ट्स और न्यूज़ आती थी उनको कवर करना शुरू किया। तो जब उन्होंने उस चीज़ को कवर करना शुरू किया और पाकिस्तान में क्योंकि वो बहुत दे वर द पायनियर्स ऑफ दिस थिंग, तो उस चीज़ को उनको बहुत बूस्ट मिला। एट दैट टाइम हर कोई समझता था कि सिर्फ आपने एक आर्टिकल लिखना है और आपका ब्लॉगिंग होगी, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये लोगों को पता चलता गया, लोग शुरू करते गए, तो उसके बाद फिर आ जाता है आपके ब्लॉगिंग का कि वो न्यूज़ में कहाँ पे लाया करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप गूगल पे एक चीज़ सर्च करते हो, उसमें आप जितना भी सर्च प्रेफरेंस आती है तो आपका अगर आर्टिकल ऊपर आ रहा होगा तो जो भी बंदा सर्च कर रहा होगा वो पहला आपका आर्टिकल प्ले करेगा, ठीक है। तो आजकल अब ब्लॉगिंग क्या चीज़ है कि आपने ना सिर्फ ब्लॉग पोस्ट लिखना है, एक अच्छा आर्टिकल लिखना है जो कि एक यूनिक कॉन्टेंट पे हो, बल्कि उसके अलावा वो जो आपका आर्टिकल है वो डिफरेंट सर्च इंजन्स पे ऊपर भी आ रहा हो, ठीक है। यानी कि आपने उसको इतना मार्केट करना है कि लोगों को आपके जो भी आपने आर्टिकल लिखा है वो लोगों को सबसे पहले नजर आए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कल रात को पाकिस्तान मैच जीता है और पाकिस्तान के 100 ब्लॉगर्स ने उस आर्टिकल लिखना शुरू किया, तो वो अच्छा ब्लॉगर वो होगा कि जिसका जो आर्टिकल है वो न्यूज़ के अंदर सबसे ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, टॉप हिट पे आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे अप्रोच करेंगे और उससे ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। फिर एट द एंड क्या हुआ कि लोगों ने शुरू में ब्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके बाद उसने उनको एज अ जॉब लेना शुरू कर दिया। मतलब आजकल आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि आप क्या करते हो, तो उनका सिर्फ जॉब होगा यार मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। ब्लॉगिंग तो मतलब आप लोग हैरान होते होगे कि यार उनकी कोई इनकम भी नहीं है और ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया एड्स का, मतलब गूगल ने सबसे पहले स्टार्ट किया। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि जैसे ही वो ब्लॉग लिखते हैं साथ वो अपने एड्स भी लगाना शुरू कर देते हैं, तो जितने ज़्यादा लोग उनके ब्लॉग को विजिट करेंगे उतना ज़्यादा उनका रेवेन्यू बनेगा और इस तरह वो सेल्फ एम्प्लॉय हो गए और वो अपने एड्स ब्लॉगिंग से। तो रेवेन्यू एग्जैक्टली उनको आता किस तरह? डिफरेंट प्रोसीजर है, मतलब क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती, तो मेनली डिफरेंट बैंक्स के थ्रू या किसी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू जितनी भी रेवेन्यू उन तक आ जाता है। चलो तुमने बड़ी सही सही डिटेल दे दी, बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, कोई किसको क्या समझ रहा होता है। लोगों के अंदर डिफरेंट आइडिया होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि ब्लॉगिंग मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पेरेंट्स को कहूँ कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और मैंने जॉब नहीं करनी, तो वो कहेंगे क्या मतलब ये क्या चीज़ होती है, हमें तो पता है कि वो 9 to 5 वाली जॉब होती है, सुबह जाओ रात को ऑफिस हो। तो वो हर चीज हर लोगों का डिफरेंट आइडिया होता है। अच्छा तुम लोग, अच्छा आप बताओ ब्लॉगिंग तुम लोग कैसे करते हो, क्या करते हो? अच्छा मतलब मैं सिर्फ इतना खुद तो ब्लॉगिंग नहीं करता, बेसिकली सलमान इज अ मोर ऑफ अ ब्लॉगर देन मी, बट रिव्यूज रिव्यूज और टिप्स वगैरह करता हूं। मेरा ब्लॉग रिलेटेड है अपने माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो आईटी है, कंप्यूटर है, तो मैं उसमें इट्स रिलेटेड ऑल रिलेटेड टू विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ फ़ोन, तो उससे रिलेटेड मैं करता हूँ ट्यूटोरियल्स। तो अच्छा एक चीज़ मुझे क्लिक कर रही है, ब्लॉगिंग के लिए आपके राइटिंग स्किल्स जो होते हैं आपके अच्छे होने चाहिए या फिर हम लोग कैजुअल वे में भी बात कर सकते हैं? डिपेंड भी करता है कि आप किस तरह का ब्लॉग करते हैं, क्योंकि अगर आप लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरटेनमेंट, हाँ एग्जैक्टली, अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो आपके पास आपकी जो क्रिएटिविटी है वो टॉप पे होनी चाहिए इन राइटिंग ना, क्योंकि आपको अट्रैक्ट करना है अपने जितने भी व्यूअर्स हैं या जिसको भी आप दिखाना चाह रहे हैं।
क्योंकि इंटरनेट पे भी प्रमोट आप लोगों को करना चाह रही हूं कि अपने राइटिंग स्किल्स डेवलप करें, ये भी एक ऑप्शन है, बड़ी अच्छी फील्ड है। मतलब आप जब एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपने मतलब कोई ऐसी गॉसिप को अपने पकड़ना है जिससे आप लोगों को हिट करें, मतलब क्योंकि लोग तो तब आपका ब्लॉग पढ़ेंगे ना जब उनको कोई एंटरटेनमेंट की चीज अपनी पसंद की चीज मिलेगी। आप मतलब अगर सिंपल एक एसे फॉर्मेट में, जैसे हम बचपन में एसे वगैरह लिखते हैं, अगर आप उस फॉर्मेट में लिखना शुरू कर देंगे तो वो कहेंगे यार क्या स्कूल का बच्चा आ गया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आपने थोड़ा सा यूनिक लेके जाना होता है अपने ब्लॉग को। बेसिकली एक अभी प्रोफेशन बन चुका है ब्लॉगिंग भी, जिस तरह रेबर ने पहले बताया कि लोग इसको एज ए जॉब ले रहे हैं और एग्जैक्टली यही हो रहा है पाकिस्तान में भी। इवन के ये फील्ड तो इतनी आगे चली गई है कि लोग मिलियंस ऑफ रुपीज कमा रहे हैं इन मंथ पर ईयर। वो बड़ी जगह आज जा रहे होते हैं घर बैठे लाखों कमाए, ये होता है। बट स्टिल यू हैव टू बी इन द मार्केट, तो आपको उसके लिहाज से चलना पड़ेगा। जिस तरह आपने बात की कि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इफ यू आर राइटिंग अबाउट एंटरटेनमेंट, एक तो आपके पास न्यूज़ होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि यू हैव टू बी डिफरेंट। मतलब कि मैं उस दिन भी ये बात हमारी डिस्कस हो रही थी कि आपकी सिर्फ न्यूज़ पे कवर करना भी ज़रूरी नहीं है। ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे सोर्सेज आ गए, इतने चैनल्स हैं ऑन इवन के इंटरनेट कि आप हर जगह से आपको न्यूज़ मिलती है। लेकिन लोग आपको क्यों आपको प्रेफरेंस करेंगे, क्योंकि आपकी चीज़ क्रिएटिव होगी और डिफरेंट होगी, दैट्स वाई पीपल विल लाइक यू। तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा ऐसी चीज़। मगर अगर अपना आप हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होता ही है। मैं आपसे अलग हूँ, आप एक दूसरे से अलग हो, अगर अपने आप को थोड़ा वेल डिफाइन करके अपनी लफ्जों में या फिर किसी भी तरीके से प्रेजेंट करो तो आप डिफरेंट होते हो। असल में होता ही है कि बेसिकली हम लोग गलती ये करते हैं कि जो चीज अच्छी लगती है ना कहते हैं उसी को फॉलो कर लें, उसको कॉपी कर लें, वहीं पे हम मार खा जाते हैं। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि इंसान को अपने आप को परसू करना चाहिए कि उसे क्या अच्छा लगता है, उसमें क्या डिफरेंट है दूसरे लोगों से, और उसी को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि न्यूज़ तो ये होती है ना कि न्यूज़ तो कॉमन रहेगी, आप ब्लॉग लिखें, मैं ब्लॉग लिखूं या कोई ब्लॉग लिखूं, हमारे लिए तो यही है ना कि पाकिस्तान ने कल मैच जीता है। अब असल चीज़ मैटर करती है कि आप किस तरह लिखते हैं, आप किस चीज़ को प्रोमिनेंट लेके आते हैं, आप किस तरह कहते हैं। अब हम तीनों ने एक ही न्यूज़ को कवर किया, लेकिन आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे थे और आपने उससे ज़्यादा वेल फन किया है, तो ऑब्वियसली लोगों को आपका ब्लॉग ज़्यादा पसंद आएगा और आपकी तरफ ज़्यादा हिट्स आएंगे, हमारा ब्लॉग तो फट जाएगा। मतलब ऐसे लफ्ज़ लिखो कि लगे कि वाकई ढोल बज गया। बाकी मतलब अच्छा वो एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट चलता है जो कि असाइनमेंट्स में मतलब वगैरह यूज़ होता है कि लोग क्या करते हैं कि एक वर्ड लिखा उसका ना सिमिलर मीनिंग ढूंढ के ना वो वहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो वो लोग समझते हैं कि अब एक पोस्ट मैंने सलमान ने पोस्ट लिखा है, मैंने इसका पोस्ट उठाया और उसमें सिर्फ यही किया कि जहाँ इसने एक वर्ड लिखा है वहाँ डाल के मैंने एक और वर्ड रिप्लेस कर दिया। तो ये ब्लॉगिंग नहीं होती, ये तो सिंपल आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ब्लॉगिंग होता है टोटल आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, उसे यूनिक एस्पेक्ट से लेकर चलना है। इनोवेशन, जितना आपका ब्लॉग यूनिक और अच्छा होगा उतने ज़्यादा लोग अट्रैक्ट करेंगे आपके ब्लॉग को और उतना आपका रेवेन्यू बिल्ड होगा। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है कि इट्स ऑल अबाउट द मनी, तो वो लोग इस चीज़ को परसू कर दें। चलें आपसे मैं बातें करूंगी और सेगमेंट भी आपके साथ है हमारा, उसको भी डिस्कस करेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। खुशामदीद दोबारा से शो में, आगाज़ आपका, आज पहला शो हमारा, बड़े मज़े की बातें हो रही हैं मेरी सलमान से और अहमद से राबर से। अच्छा हम बात कर रहे थे अपने नए सेगमेंट की, ठीक है, ऑनलाइन ब्लॉगिंग, सॉरी ऑनलाइन सोशल मीडिया फॉलोइंग, इस पे बताओ मुझे। अच्छा सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि मतलब जितने भी हमारे ये फेसबुक ट्विटर वगैरह, मतलब पहले रुझान ये था कि लोग जो है वो ऑर्किड यूज़ करते थे, ऑर्किड से वो माइग्रेट हुए फेसबुक पे आए, फेसबुक से वो माइग्रेट होकर वो ट्विटर पे आए। तो मतलब ये सारा जितना भी इंटरनेट पे आप जितनी भी आप सोशल चीज़ें करते हैं, जितनी भी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो आपका सारा सोशल मीडिया के अंदर आता है, ठीक है। तो सर में लाइफ इतनी डिफरेंट हो गई है कि यंगस्टर को स्पेशली अगर हम लोग ले लें ऑनलाइन तो एक स्पेशल पर्सनालिटी भी हमारी बनी हुई है। एग्जैक्टली कि वो टोटली कितने ना कि हमारी ऑनलाइन लाइफ कुछ और है, असल में हम बैठे होते हैं घर में कुछ और होती है। एग्जैक्टली, और ऑनलाइन में भी डिफरेंट लाइव्स होती है, डिफरेंट सोशल नेटवर्क्स हैं, कई लोगों ने नए नए अकाउंट्स बनाए होते हैं, कई डिफरेंट यही चीज होती है। तो इसी वजह से हमने एक सेगमेंट इस पे हमने ऑर्गेनाइज कराया हुआ है कि जो कि टोटली आपकी प्रेजेंस को दिखाएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त टॉप्स पे फॉर बेसिकली ये होगा कि टॉप पे कौन जा रहा है। डिफरेंट हमारे पास सोशल मीडियम्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, ब्लॉगिंग जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था ब्लॉगिंग होती है। सो इट्स एस्टॉनिशिंग कि मतलब 8 मिलियन पीपल हैं पाकिस्तान से जो कि फेसबुक पे ऑनलाइन है इस वक्त, इसी तरह 2 मिलियन पीपल्स हैं जो कि ट्विटर पे ऑनलाइन होते हैं। तो और इंटरनेशनली भी देखा जाए पूरी कंट्रीज़ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है।
आप लोगों से इंटरेक्ट इसी थ्रू इसी के थ्रू करते हैं। वो कब तभी तो कह रहे हैं ग्लोबल विलेज बन के ग्लोबल रह विलेज गए, बन गया। आइडियाज शेयरिंग इतनी फास्ट हो गई है, आप करते हैं अमेरिका में बैठा हुआ बंदा उसकी बात कॉल सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है इसीलिए इतना इन हो गया ना कि हम लोगों को फर्क ही नहीं लगता। कॉल सेंटर होता है आपका जो आउटसोर्सिंग होती है जिस तरह की जॉब्स की। तो खैर उसी में हमारे सेगमेंट में यही है कि हम लोग आपको अवेयर करना चाह रहे हैं लोगों को कि टॉप ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं। टॉप ट्रेंड्स जैसे ट्विटर पे होते हैं कि टॉप 10 यूजर्स कौन से जा रहे हैं, आप किनको फॉलो कर सकते हैं, या फेसबुक पे फेसबुक पेजेस हैं जिसपे आपसे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप इसमें एंटरटेनमेंट की भी होते हैं इन्फॉर्मेशन की भी है, तो किस तरह से आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और दूसरा ये है कि ब्लॉगिंग भी जिस तरह है कि कौन से अच्छे ब्लॉग्स हैं जिसपे आप यूज़र जो है वो जाके डेली लाइफ के कौन सी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है उसको फॉलो पर कैसे किया जाए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पीपल शुड बी केयरफुल। लास्ट वीक भी इस तरह का एक हुआ है कि एक बंदा था कि जिसने नाम इसलिए मेंशन नहीं करूँगा कि दैट इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल केस। एक बंदा था जिसने अपने आप को इतना सोशली इन करवाया हुआ कि उसने फिर लोगों से पैसे वगैरह लिए। आई मीन ही इज जस्ट अ किड स्टिल लेकिन अपने शो के हवाले से, क्योंकि हम लोग भी टॉप ट्रेंड्स ही यूज़ करेंगे तो हम किसी को नहीं करेंगे, फोर्स नहीं करेंगे इस बात पे कि आप जाके उनको फॉलो करें या कुछ। सो लोगों को मतलब केयरफुल भी होना चाहिए इस चीज़ से, ठीक है, ऑथेंटिक चीज़ देखनी चाहिए। ये इतना पावरफुल मीडियम है आपके पास, ठीक है, आपके पास एक फैसिलिटी है, लेकिन इस फैसिलिटी को एक अच्छे तरीके से भी यूज़ करना चाहिए। जिस आप लोगों को अगर फॉलो करते हैं यू शुड नॉट गो ब्लाइंडली कि आप उसको जाके जो भी कह रहे हैं जो उसके पीछे शीप लाइक लग जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल ट्विटर की अगर मैं बात करूं कि एक मीडियम बन चुका है न्यूज़ के लिए, सबसे टॉप पे न्यूज़ आ जाती है। हमारे पास पाकिस्तान में वाकया हुआ था एबटाबाद का, सबसे पहली न्यूज़ जो आई थी उसकी वो ट्विटर से आई थी। एक बंदा वहाँ पे बैठ के ट्वीट कर रहा है कि यार मैं एबटाबाद की खबर ये हो गया, नहीं एबटाबाद भी हो गया। तो काफी अच्छी चीज है कि बंदा सोशली इंटरेक्ट करे, लेकिन ही शुड बी केयरफुल कि जो भी करे। अच्छा, लेकिन दूसरी बात है कि बंदे को थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप सोशल मीडिया पर चढ़ाएंगे और खुदा ना खास्ता कोई मिस हैप हो जाता है या आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो क्या होगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी और कुछ कोई अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन करनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान में तो इतना इन्फॉर्मेशन संभाल के रखो, पाकिस्तान में तो आइडेंटिटी थेफ्ट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि लोगों को यहाँ पे पता नहीं है तो लोग उस चीज़ को कॉपी करें। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में होता था कि लोग आप बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू ना वो अपने आप एक नया बंदा शो करके उनके जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। ये जो फॉलोइंग है इसमें कोई रिश्तों वाली चीजें भी आएंगी, लोग तो ऑनलाइन शादियां भी बड़ी चल रहा है ना, लोग डिस्ट्रीब्यूटेबल भी बहुत होते हैं। एग्जैक्टली, कोई ऐसा ट्रेंड लाओगे ये टॉप का लड़का है इसको फॉलो करें वो तो फिर सब पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। एक ले आना हर हफ्ते ना एक नया लड़का कि आज मैं आपको ये पेश कर रहा हूं। आज का दूल्हा ये अच्छा। तो खैर मैं मुझसे बात कर रहा था कि आइडेंटिटी थेफ्ट को हमने केयरफुल रखना है कि लोग मतलब सोशल मीडिया पे क्या कहते हैं कि डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर देते हैं। आपकी अपनी शख्सियत बन जाती है ऑनलाइन पे, आपकी ऑनलाइन आपकी एक अलग पर्सनालिटी एक अपनी पहचान बनी हुई होती है और लोग उसको कॉपी उसको चोरी करना चाह रहे होते हैं। वो आपके आप बन के प्रेजेंट हो रहे होते हैं और आपकी रेपुटेशन खराब कर रहे हैं हर तरह से, एक्सटेंड ट्रैक कर रहे होते हैं आप। मतलब अब मैं सोशल मीडिया पे बात कर रहा हूं तो मुझे सामने तो नजर नहीं आ रहा है कि मेरे साथ सलमान बैठा है। अब फॉर एग्जांपल किसी और बंदे ने सलमान का अकाउंट यूज कर रहा है तो मुझे तो मैं तो सारी बात सलमान से समझ के कर रहा हूं वो इस तरह जा रहा होगा। इसी तरह लोग क्या करते हैं कि अपनी डिफरेंट पिक्चर्स वगैरह भी अपलोड कर देते हैं और वो ऐसी चीजें कर देते हैं। कीवर्ड रखना चाहिए मतलब बात करने से पहले, तो वो इसी तरह लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए सोशल मीडिया पे बिकॉज पाकिस्तान के अंदर मतलब इस तरह की चीजें स्टार्ट होना शुरू हो गई हैं। तो इस हवाले से मतलब सलमान आपको बताएंगे तो स्टूडेंट्स ही होते हैं ज्यादा जो चोरियां करते हैं ऑनलाइन हैकिंग, बल्कि ऑनलाइन हैकर्स की लिस्ट पे पाकिस्तानियों का बड़ा नाम है, बहुत नाम है, पाकिस्तान टॉप पे जा रहे हैं कहीं पे तो यहां पे नाम रखा है ओखा बनोले। वैसे ये भी एक टैलेंट है, टैलेंट है एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं। पाकिस्तान इसके अलावा भी कितनी फायरबॉल्स लगा लो कुछ कर लो घुस जाते हैं। नहीं वो पाकिस्तान क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान का टैलेंट इतना ज्यादा है और मतलब देखें गलती तो सारी उन लोगों की है जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया, अब वो इतने टैलेंटेड नहीं है कि उन्होंने उस चीज को कवर ही नहीं किया। अब हम में से कोई मतलब पाकिस्तानी उस चीज को ढूंढ लेते हैं तो हमें तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मतलब ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए कि पाकिस्तानीज ने डिफरेंट जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट वेबसाइट्स हैं उनके बग्स वगैरह को रिपोर्ट किए और फिर उनको रिवॉर्ड भी मिला। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी सारा उस जाते हैं, एथिकल हैकिंग की तरफ भी उनका रुझान है। अच्छा, फॉलोइंग ये जो हमारा ऑनलाइन सोशल मीडिया फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट होगा इसमें एक और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ क्या लगेगी? मतलब ट्रेंड्स तो हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कोई इसका और है कोई और नज़रिया देखने का? न्यूज़ आती है आपके पास
आपके पास टॉप पे न्यूज़ आ जाती है, मतलब आपके पास एक फास्टेस्ट वे है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो हो जाती है, सबसे टॉप पे यही चीज़ है। दूसरा क्योंकि ये है सोशली सोशल नेटवर्क, तो आप सोशली एक्टिव हो जाते हैं, यू है इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। चलो, दो ये बड़ा, मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए, एक नया सेगमेंट होगा। सलमान नसीर एंड राबर अशरफ, बहुत शुक्रिया तुम के आने का। थैंक यू। आते रहेंगे सेगमेंट्स में, हम लोग बात करेंगे। नया ट्रेंड, पहला ट्रेंड मेरे ख्याल से दुल्हे का ही रखते बस हैं। चलो, यही वो हम लग सोचेंगे रही क्या रख सकते हैं। बड़ा मुझे मज़ा आया इनके साथ बात करके, इन्होंने हमारे बड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन ब्लॉगिंग का एक मिसकंसेप्शन थी, वो ख़त्म हुई। उसके अलावा एक लिव्ड अप वीडियो, एक अच्छी चीज़ सामने देखने को मिली, और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। बड़ी, आप भी यूट्यूब पे जाके ज़रा हिट करें, देखें किस तरह की है, क्या कितनी मेहनत से बनी हुई, और आप उसका ज़रा कॉन्सेप्ट करें, आपको पता लगेगा कि इन इस उम्र में, इस एज में, इतनी मेहनत से इतनी अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करना, दैट वॉज एन एक्सलेंट एफर्ट। थैंक थैंक यू। यू वंस अगेन सो मच फॉर कमिंग। अब ब्रेक के बाद मिलते हैं और नए गेस्ट से बात करते हैं।